धरती हवे जवान के, धरती हवे किसान के, सोना से भी महंगा माटी हवे हिंदुस्तान के, परछाई ना पड़े देवे के बाटे अत्याचार के, धरती कहे पुकार के, धरती कहे पुकार के, धरती कहे पुकार के। रोमांच पैदा हो गया, आप सब भी रोमांचित हो रहे होंगे। मैं तो पूर्णतया इसमें डूब गया हूँ, धरती कहे पुकार के। हम हैं मनोहर सिंह के साथ। मनोहर सिंह गांव की माटी से चल करके आज चकाचौंध की दुनिया में हैं, फिल्म जगत में हैं। इनके कई गीत लगभग 150 फिल्मों में गाए गए हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं। हम हैं अपने गृह ग्राम यूसुफपुर में और मनोहर हमारे घर के लड़के हैं, चाचा हमको कहते हैं प्यार से। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। शुरुआत हुई थी इनकी सुर संग्राम से। आप सभी ने सुर संग्राम को देखा होगा, उप विजेता के रूप में वहाँ इनको प्रतिष्ठापित किया गया। आज हम इनके साथ एक साक्षात्कार कर रहे हैं, कुछ गीतें भी सुनेंगे, होली का अवसर है, कुछ होली के भी गीत होंगे। तो मनोहर की शुरुआत गांव से ही हुई, एक सीधा साधा और किसी को फेस नहीं करने वाला लड़का आज जाकर के चकाचौंध की दुनिया में, पर्दे की दुनिया में लगातार फाइट कर रहा है, मुकाम हासिल कर के ही दम लेगा, इस प्रकार का आत्मबल और दृढ़ इच्छा शक्ति है मनोहर के अंदर। तो मनोहर उस गीत को पूरा कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। बिल्कुल। धरती हवे जवान के, धरती हवे किसान के, सोना से भी महंगा माटी हवे हिंदुस्तान के, परछाई ना पड़े देवे के बाटे अत्याचार के, धरती कहे पुकार के, धरती कहे पुकार के। मेहनत मजदूरी से बड़का धर्म न केवनो जग में, मेहनत मजदूरी से बड़का धर्म न केवनो जग में, सुख दुख देहिया के परछाई बतिया हम सब का से बताई, असली सुखता इहे कहाला ई दुनिया संसार के, धरती कहे पुकार के, धरती कहे पुकार के, धरती कहे पुकार के। मनोहर के पिताजी हैं श्री योगेंद्रनाथ सिंह जी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने MBED किया और बड़े स्तर के पहलवान रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने नामी गिरामी कुश्तियाँ भी लड़ी। सबसे पहले मनोहर, कठिनाई क्या है? जैसे आपने जब शुरू किया गीत के क्षेत्र में, तो विद्यार्थी जीवन से यह चीज़ें शामिल हुई? हाँ, जब मैं यहाँ पे पढ़ता था माध्यमिक विद्यालय में या प्राइमरी स्कूल में, तो कुछ ऐसा था नहीं। हम अपने गांव के प्राइमरी स्कूल में पढ़े हुए हैं, पाठशाला नंबर 1 से। तो शुरुआत तो यहीं से हुई थी, लेकिन माध्यमिक विद्यालय में जब हम अपने गांव के पावर हाउस पे गए, तो वहाँ पे जय गुरुदेव मास्टर मिले, प्रभात चंद्र यादव। मैं उनको प्रणाम करता हूँ। और उन्होंने मुझे सामने लाया। अच्छा। और मैं निर्गुण गाया था। अच्छा। निर्गुण से मेरी शुरुआत हुई। भरत भैया का निर्गुण था और मदन राज जी का निर्गुण था। अच्छा। मैं उस निर्गुण से गाया, तो फिर हमारे घर वाले लोग जाने कि नहीं हम गाते हैं। अच्छा। और लोग काफी प्रशंसा भी किए। तो शुरुआत तो वहीं से हुई। मतलब परिवार ने दबाया नहीं इसके लिए? नहीं, परिवार से कहीं मुझे वो दबाव नहीं हुआ। मेरे पिताजी का काफी सहयोग है, जिसके कारण मैं आज इस लाइन में हूँ और जी खा रहा हूँ, और काफी सम्मान के साथ अपनी सम्मान के साथ जी जीविकोपार्जन। कलाकार तो बहुत हैं, और हमने सीधा रास्ता चुनने के बजाय थोड़ा सा कठिन रास्ता चुना, लेकिन उसमें मुझे सफलता मिलता नजर आ रहा है। बिल्कुल, सफलता मिलेगी, हमारी मंगल कामनाएं मनोहर के लिए। जो निर्गुण पहली बार गाया था, उसकी एक लाइन कुछ याद है? हाँ,
निर्गुण जब हम वहाँ पे थे तो प्राइमरी स्कूल में, अरे माध्यमिक विद्यालय में, तो निर्गुण हमने भरत मदन राज जी का गाया था कि तोहरा संग जाई भवरवा, के तोहरा संग जाई, के तोहरा संग जाई भवरवा, के तोहरा संग जाई। मनोहर कुछ जैसे भीतर से हलचल हुई, किसी ने, कोई जानता तो था नहीं कि आपको गाना आता है? नहीं, जानते तो मेरे पिताजी थे कि नहीं मुझे गाना है। अच्छा, कुछ गुनगुनाता है, कुछ गाता है। उन्होंने ही मुझे इस लाइन में मतलब जाने के लिए कहा कि नहीं आप इसी में कर सकते हैं तो आप इसी में जाइए। तो उनका सपोर्ट रहा, वो हमसे बनारस काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हमको ले गए कि आप यहीं से शिक्षा दीक्षा ग्रहण करिए क्योंकि ये बहुत अच्छा माध्यम है। तो हम बनारस गए और बनारस जाके BHU से डिप्लोमा और BMS की डिग्री वहाँ से हम लिए और काफ़ी शिक्षा का जो भी था वहीं से शुरू हुआ था जी। पढ़ाई लिखाई जो संगीत की पढ़ाई होती है वो बनारस से। तो पहली बार जब गाए आप गीत वहाँ जूनियर हाई स्कूल में जी, तो लोगों ने तालियां बजाया होगा जी, शुरुआत वहीं से हुई होगी, हौसला बढ़ा होगा। देखिए मंच जो पहला मंच है वो तो वही है, फिर उसके बाद हम अपने गांव के, आप तो खुद हमारे गांव के रामलीला में एक अच्छे पात्र रहे हैं, तो हम अपने गाँव के रामलीला में भी सीता का रोल किए क्योंकि हम बहुत छोटे थे, मेरी लंबाई करीब 4 फुट की थी, तो मैं सीता का पाठ किया कुछ दिन तक, सीता रहा। फिर जो हमारे राम थे उनकी लंबाई छोटी हो गई तो मुझे राम बना दिया गया और जो राम थे उनको मनोहर की लंबाई बढ़ती गई, कद बढ़ता गया, तो फिर सीता से राम हो गए और फिर और भी इन्होंने मंचन दिया जी। रामलीला का कुछ याद है? रामलीला का तो बहुत सारा, कुछ भी कोई दोहा चौपाई कुछ भी। रामलीला में जैसे राम जी बन जाते हैं तो वो प्रसंग मुझे हमेशा याद रहता है। कि मोरे भगवान जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहु, मोरे भगवान जी केवट। जब राम जी को बैठा के गंगा मैया नाव जब गंगा माँ के बीच में पहुंचती है तो गंगा माँ भी भगवान राम के पैर को छूने के लिए उतावला होती है। क्या बात, क्या बात। तो केवट गंगा मैया से कहता है धीरे बहु, कि मोरे भगवान जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहु, हे गंगा मैया तुहरी दुहैया, मैं माझी मोरे काठे की नैया, कहीं टूट न जाए पतवार, गंगा मैया धीरे बहु, मोरे भगवान जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। उतर ठाड़ भय सुरसर रेता, सिय राम गुह लखन समेता, केवट उतर दंडवत किन्हा, प्रभु ही सकुच नहीं ऐ कछ दिन्हा। और उन्होंने कहा कि फिरत बार प्रभु जो कुछ देवा सो प्रसाद में सिर धर लेवा। केवट राम का अनुराग यह रोमांचकारी प्रसंग है और मनोहर को स्मरण है और सच में आपने भी सुना होगा तो अच्छा लगा होगा। रामलीला हमारे गांव की आदर्श रामलीला है, हम भी उसके पात्र रहे हैं और अनेकानेक कलाकार आज बड़ी ऊंचाइयों को छू रहे हैं जिसमें एक मनोहर भी है। उचित मेरे में एक तो प्लेटफॉर्म, तो पहला प्लेटफॉर्म मेरा वही था माध्यमिक विद्यालय, लेकिन अगर रियल देखा जाए जहाँ से शुरुआत हुई, जहाँ से लोग मतलब हर दिशा के लोग मुझे जाने, वो गाँव का रामलीला ही है और वही मेरे लिए एक ऐसा मंच बन के सामने आया जो मुझे प्रमोट करता गया कि नहीं आप आगे बढ़ो, आप BHU जाओ या फिर और महानगर में जाओ। तो मेरी एक तरीके से जो शक्ति देने वाला जो स्थल था वो रामलीला ही है, पवारी बाबा का मंच। सुर संग्राम के उप विजेता रहे मनोहर, सुर संग्राम में कोई गीत जो काफी चर्चित हुआ है आपका, इसको काफी मन से लोगों ने, आपने गाया भी है और लोगों ने सुना भी है जी, ऐसा कौन सा गीत? एक गाना मैंने गाया था वो मनोज तिवारी जी का गाया हुआ है, हालांकि वो उस गाने को बहुत कलाकारों ने, मदन राय भी, भरत शर्मा जी ने, तारकेश्वर मिश्र राही जी की लिखी हुई गीत है आप, और भोजपुरी के वो शेक्सपियर माने जाते हैं। तो मैं उनका 2 लाइन, वो प्रसंग ही है लेकिन मैं कोशिश करूंगा जितना मुझे याद है।
एक लड़की की शादी होती है और वो शादी होने के बाद वो अपने ससुराल जाती है, जब शादी मतलब ससुराल से पहली बार अपने नैहर आती है तो गांव का सखी सब उससे मिलती है, सब पूछती है कि ये सखी बताओ तो सैया कैसा हो, तो आदमी कैसा क्या बात। तो वो लड़की अपने पति के बारे में बताती है, अपने सास ससुर के बारे में, जेठ जेठान, ये पहले संयुक्त परिवार हुआ करता था, आज एकाकी परिवार है। तो वही भाव वही प्रसंग है कि कितना बताई सुख ससुरा के गोरी रे। ये मैंने सुर संग्रह में मेरा एक इतिहास है, लोग मुझे इसे गाने से जानते हैं कि मनोहर है। कि कितना बताई सुख ससुरा के गोरी रे, सैया हूं मैं चांद हमरो, हम हई चकोरी रे। कितना बताई सुख, लड़की पूछ रही है सब उससे कि ससुरा, ससुरा के दिल जैसे बदरा के पानी, ससुरा के दिल जैसे बदरा के पानी, हीरा और मोती जाने, जेठ आ जेठानी, सासु जी के थतिया के हो हो हो, सासु जी के थतिया के हम ही तिजोरी। क्या बात, सैया हूं मैं चांद हमरो। और लड़की पूछती है सब कि तुम्हारे सास कितने पढ़े हैं, ससुर कितने पढ़े हैं। कितनी विनम्र भाव से वो लड़की बताती है कि ससुरा रामायण जानस सास जान गीता, ससुरा रामायण जानस सास जान गीता, भसुरा भजनिया जाने असैया जाने सीता, भसुरा भजनिया जाने सैया जाने सीता, अरे देवरा न नदिया जाने हो हो हो, अरे देवरा न नदिया जाने, फगुनी के होरी रे। क्या बात, सैया हूँ वे चांद हमरो, हम हई चकोरी रे। दो पद और है लेकिन एक पद में बताता हूँ। लड़की सबके बारे में बता चुकी है, खुद के बारे में बताती है कि हम हूँ लजाई जैसे पेड़ छुई मुई, हम हूँ लजाई जैसे पेड़ छुई मुई, घर का स्नेह जैसे से मरे करुई, अचरा समात नहीं खे कितना बटोरी रे, अचरा समात नहीं खे कितना बटोरी रे, सैया हूँ मैं चांद हमरो, हम हई चकोरी रे, कितना बताई सुख। सैया हूँ चांद और हम हई चकोरी रे, एक आदर्श परिवार की जो परिकल्पना है उससे पूरी तौर पर उच्चतम सोपान पर उसे साकार होते हुए इस गीत में देखा जा सकता है। सचमुच किसी को छोड़ा नहीं है तारकेश्वर मिश्र राही ने, और इतने खूबसूरत अंदाज में मनोहर ने इसे सुनाया है, सच में मजा आ गया, प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मनोहर आप अपने गीतों को कुछ यूट्यूब वगैरह पर भी डालते हैं? हाँ, मेरा आपको मैं बता दूं, आप चाचा के जितने व्यूवर्स हैं सब्सक्राइबर हैं, मेरा भी यूट्यूब चैनल है मनोहर सिंह ऑफिशियल के नाम से, आप मुझे सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर और उसे सब्सक्राइब करें और फॉलो करें, पसंद आए तो शेयर भी करें। देखिए मनोहर ने अपने यूट्यूब चैनल का उल्लेख किया है, मनोहर सिंह ऑफिशियल, तो इसे आप देखें। और आप मनोहर एक चीज है, लोग कमेंट करेंगे और कोई गीत अगर सुनना चाहेंगे तो आप सुनाओगे उनको ना? हाँ बिल्कुल, आप जो भी आप लोग मुझे मुझसे चाहते हैं, मेरा फेसबुक हैंडल भी है और इंस्टाग्राम भी है, ट्विटर भी है, मनोहर सिंह डॉट सिंगर इंस्टाग्राम पे मैं हूँ,
और फेसबुक में मनोहर सिंह से आप सर्च कर सकते हैं, ट्विटर पे भी मुझे आप सर्च कर सकते हैं, जिस माध्यम से आप मुझे चाहेंगे हम आप लोग के लिए ही। देखिए जब जैसे ही आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि मनोहर जी यह गीत हम सुनना चाहते हैं, दो दिन चार दिन पांच दिन जब भी फुर्सत मिलेगी आपके नाम का उल्लेख करते हैं, हाँ बिल्कुल मनोहर उस गीत का उल्लेख करेंगे कि फला फला भाई ने हमसे इस बात का आग्रह किया है तो उस गीत को मैं उनके सम्मान में सुना रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, तो यह मैं इनके तरफ से विश्वास दिलाता हूँ एक बार विजिट करें अच्छा लगेगा। और बिना संगीत के जीवन नहीं है, बिना संगीत के तो जिस तरह से पूंछहीन कोई पशु है और पंखहीन पक्षी है उसी प्रकार संगीत के भाव में हमारा जीवन है। अच्छा लगा, आज हम मनोहर के घर पर ही हैं, यह सब काफ़ी पीसफुल है इधर और परिवार के लोग बैठे हुए हैं और मनोहर के बड़े भाई हैं उधर संजय हैं, छोटे भाई हैं और पहलवान हमारे अग्रज हैं, हमारे उस्ताद रहे हैं, अखाड़े में हम लोग लड़े हैं साथ में, काफ़ी कुछ सिखाया है। अभी जो कुंभ मेला में नागा साधु से कुश्ती हो गई थी तो मैंने पहलवान को याद किया था उसमें, तो यह स्मरण हुआ कि उस समय मैंने किया था तो कोई बात नहीं। अब नागा ने ताल ठोका, अब ताल कोई ठोकेगा तो भाई मैंने भी ठोक दिया। अब डर कई बात का था कि सारे नागा मिल करके अगर आक्रमण करते तो मेरे लिए संकट हो जाता, लेकिन बजरंग बली की कृपा थी सब ठीक ठाक रहा और उस वीडियो को लगभग 33 लाख लोगों ने देखा है, तो सुखद अनुभूति हुई। मनोहर के लिए हम मंगल कामना व्यक्त करते हैं और आप सभी इनके चैनल को जरूर देखें। आगे ऐसे जो भी इस तरह के, हमने भरत शर्मा के साथ भी एक वीडियो किया था, तन्मय के साथ किया था, अनन्या के साथ किया था, इस प्रकार के वीडियो हम आगे भी करते रहेंगे। मनोहर तो हमारे घर के हैं, हमारे बच्चे हैं, जब हम चाहेंगे तब हमारे लिए तैयार रहेंगे। तो अच्छा लगा, धन्यवाद सभी को, विनम्र भाव से नमस्कार।